नमस्ते बच्चों, लास्ट क्लास में हमने संगठन प्रक्रिया डिस्कस की थी। संगठन प्रक्रिया के कितने चरण थे? चार चरण थे। सबसे पहला कार्य की पहचान और विभाजन, दूसरा उसको अलग अलग विभागों में बांटना, तीसरा कर्तव्यों का निर्धारण करना और चौथा रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करने का मतलब था कौन किसके प्रति जिम्मेदार है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी एकत्रित करना। तो ये इसके आगे चलेंगे, आज संगठन के महत्व को डिस्कस करेंगे। संगठन के महत्व में 6 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि 7 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि संगठन बनाने से हमें फ़ायदा क्या होता है। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से, हर हिस्से को किसी खास व्यक्ति को सौंपने से हमें क्या फ़ायदा होता है? जब हम काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और उन काम के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और व्यक्ति जब लगातार उसी काम को बार बार करता है तो उसका अनुभव बढ़ता है, वो निपुणता बढ़ती है उसकी, एक्सपर्ट हो जाता है वो, उसके प्रोडक्शन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। और जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो हमारे ऊपर उस काम का वर्कलोड भी थोड़ा सा हम उसे कम महसूस करते हैं। तो विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है, संगठन का पहला पॉइंट है महत्व का, कि इससे हमें विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। विशिष्टीकरण का मतलब एक ही काम को बार बार करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारी निपुणता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और काम का बोझ कम हो जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सेकेंड पॉइंट है, कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। जब हम अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठन को इंग्लिश में ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। एक अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हमेशा बेकार, ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हमेशा अच्छा। तो ऐसे ही अच्छा संगठन, अच्छे संगठन से क्या फ़ायदा होता है? कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण आता है। कार्य करने में संबंधों के स्पष्टीकरण का मतलब रिलेशन, किसके रिलेशन? अधिकारी और अधीनस्थों के रिलेशन। क्योंकि हमने पढ़ा था संगठन की प्रक्रिया में कि रिपोर्टिंग संबंध स्थापित किए जाते हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन क्या काम करेगा। आपको याद होगा संगठन की प्रक्रिया में तीसरा कार्य जो था वो कर्तव्यों का निर्धारण था और चौथा था रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। तो कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब चीज़ें संगठन में बहुत ही क्लियरली मेंशन होती हैं। इस वजह से कोई भ्रम की स्थिति नहीं होती, कोई डाउट नहीं होता, किसी के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्लैरिटी होती है, स्पष्टीकरण होता है। और ये जो है हमारा संगठन का जो ये तरीका है, ये हमारे सोपान श्रृंखला का भी आधार होता है। आपको याद होगा हमने सोपान श्रृंखला पढ़ा था हेनरी फ्यूल के, जब हम सिद्धांत पढ़ रहे थे, उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक अधिकारियों की जो क्रमबद्ध श्रृंखला है उसे सोपान श्रृंखला कहा जाता है। तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अधीन काम करेगा, ये सब चीज़ें संगठन के ढांचे के साथ ही क्लियर हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग किया जाता है। एक अच्छा संगठन बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। कैसे? क्योंकि हम काम को सही तरीके से करते हैं और काम को सही तरीके से बांटा जाता है। जब हम काम को सही तरीके से बांटते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? एक जैसे हमने लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया था कि लाइब्रेरी में कौन क्या काम करेगा क्लीनिंग करते समय, तो किसी काम की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन नहीं होता है, कोई काम रिपीट नहीं होता। दूसरा, कोई काम की लीपापोती नहीं होती कि अगर किसी को कोई पता चला कि किसी ने कोई एक काम करना ही नहीं है तो उस काम को किया ही नहीं, छुपा गए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जब हम काम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अच्छे से बांटते हैं। कोई भ्रम नहीं रहता है। भ्रम क्यों नहीं रहता है? क्योंकि यहाँ पर संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। और जब कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है तो इसलिए कोई भी वेस्टेज नहीं होता है। तो इसलिए संगठन के फायदे में क्या है? संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। कैसे संसाधनों का कुशलतम प्रयोग? क्योंकि जब हम काम को सही तरीके से बांटते हैं, ना तो कोई काम रिपीट होता है, ना कोई वेस्टेज होती है, ना किसी के दिमाग में कोई डाउट होता है और ना ही किसी काम की कोई लीपापोती होती है। इन सब चीज़ों को आपको नोट करना है अच्छे से। तो अभी तक हमने संगठन के महत्व के 3 पॉइंट्स पढ़े, विशिष्टीकरण, स्पष्टीकरण, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है हमारा परिवर्तनों का अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है आसानी से परिवर्तनों का सामना करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना।
अगर हम तैयार हैं, हमने सब कुछ नियोजित तरीके से किया है, सब प्लान्ड है, तो कोई भी चेंज आए, कोई भी बदलाव आए, हम उस बदलाव को बहुत आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। यही हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि एक अच्छा संगठन हमेशा परिवर्तनों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, सक्षम रहता है। फिफ्थ पॉइंट, प्रभावी प्रशासन। कैसे प्रभावी प्रशासन होता है? प्रशासन मतलब हेड, बॉस जो है वो अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाता है। कैसे मैनेज कर पाता है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा था कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सबको पता है, किसको क्या काम करना है वो मालूम है, कर्तव्यों का स्पष्ट विवरण है, सबको पता है किसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। जब काम को बांटा गया है तो काम की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं है। ऐसा करने से सारे काम ठीक तरीके से होते हैं, सब लोग भी ठीक तरीके से काम करते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि मुझे ये काम सौंपा गया है, यदि मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो इसके लिए मुझसे ही पूछा जाएगा, मेरी ही जवाबदेही है। तो पांचवा पॉइंट है हमारा प्रभावी प्रशासन। सिक्स पॉइंट हमारा कर्मचारियों का विकास। कर्मचारियों का विकास कैसे? कर्मचारियों का विकास कैसे? बॉस का काम जब उसका सबॉर्डिनेट करेगा, उसका कर्मचारी करेगा, जब अधिकारी अपने अधीनस्थ को काम सौंपेगा, तो इससे दो फायदे होंगे। क्या होगा? इससे दो बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट, अगर अधिकारी ने अपना काम अधीनस्थ को दे दिया तो उसका बोझ हल्का हो गया। जब अधिकारी का बोझ हल्का हुआ तो उसका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों की तरफ चलेगा, वो कुछ क्रिएटिव सोच पाएगा, कुछ अच्छा सोच पाएगा अपने संगठन के लिए। दूसरा, अधीनस्थ को इसका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अधीनस्थ को वो काम सौंपा गया है, कर्मचारी को वो काम सौंपा गया है, तो कर्मचारी उस काम को करते 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 एक्सपर्ट हो जाएगा, और कल को अगर उसे प्रमोशन मिलती है तो वो अधिकारी के पद को बहुत आसानी से संभाल सकता है। तो सबका विकास हो रहा है, अधिकारी का भी विकास हो रहा है, अधीनस्थ का भी विकास हो रहा है, क्योंकि अधिकारी को क्रिएटिव सोचने का मौका मिल रहा है और अधीनस्थ को वो काम सीखने का मौका मिल रहा है। और सेवन्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, संगठन का विकास और विस्तार। जब प्रभावी प्रशासन होगा, हम परिवर्तनों का सामना कर पाएंगे आसानी से, सब चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं, तो ऐसे में संगठन का विकास और विस्तार होगा। अच्छा, संगठन का विकास और विस्तार का कैसे पता चलता है? ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है, बिक्री की वृद्धि होती है, और लाभ में वृद्धि होती है। जब किसी भी संगठन में ग्राहक, बिक्री और लाभ में वृद्धि हो रही है, तो ऐसा माना जाता है कि उस संगठन का विकास और विस्तार हो रहा है। इसके दोबारा से रिवीजन अभी हम अगली वीडियो में करते हैं।